तो फाइनली दोस्तों आज आ चुका वन प्लस नॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, उसका करते हैं फटाफट अनबॉक्सिंग। एंड दोस्तों थंबनेल तो आपने देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, वन प्लस नॉर्ड को आप जीत सकते हैं। दोस्तों वन प्लस नॉर्ड को जीतने के लिए जल्दी जल्दी कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर। दोस्तों मेरा नाम है विकास सिंह और आप देख रहे जेएमडी टेक्निकल। लेट स्टार्ट अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये अमेजोन का है। तो अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था, इसका सील ब्रेक कर दिया। तो चलिए इसको खोलते हैं, जल्दी से निकालते हैं। तो दोस्तों इसमें डायरेक्टली आपको मोबाइल रखा मिल जाता है और आपको एक बिल मिल जाएगा इसमें। तो दोस्तों मैं आपको बिल शेयर कर देता हूँ, आप ये देख सकते हैं बिल। यहाँ दोस्तों लिख सकते हैं 27,999। तो दोस्तों ये बिल है छोटा सा, इसको रखते हम लोग साइड में। ये आपको मोबाइल मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा इसका डिजाइन दोस्तों मुझे लगता है। नॉर्ड 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 सभी तरफ नॉर्ड का ही चर्चा है। वन प्लस का यहाँ लोगो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों पीछे कुछ बात करते हैं हाइलाइट्स की। तो दोस्तों मिनिम इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 27,999, बल्कि पड़ा भी मुझे इतनी का है। दोस्तों मुझे नेट क्वान्टिटी मिल जाए, क्या क्या है इसमें ये अंदर मैं आपको दिखा दूँगा दोस्तों। तो इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें कॉलकॉम का लगा है स्नैपड्रैगन, तो यहाँ पे लाइसेंस बाय लिखा है दोस्तों। वन प्लस नॉट 128 GB ग्रे ऑनिक्स, ये 8 GB वाला वेरियंट है मेरे पास दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैंने कर लिया सील ब्रेक और जल्दी से खोलते हैं मोबाइल को। तो दोस्तों कुछ अलग तरीके से खोलते हैं मोबाइल को। ये खुल गया मोबाइल और ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग रखते हैं मोबाइल को साइड में, मेन चीज़ को साइड में रखते हैं, डिब्बे को हटाते हैं। और दोस्तों इसको भी रखते हैं अभी साइड में फ़िलहाल के लिए। आपको दिखाते हैं वन प्लस का रेड केबल। आप देखेंगे सारे वन प्लस मोबाइल में रेड केबल ही मिलता है। तो इसको रखिए साइड में क्योंकि इसका काम हो चुका है। आपको दिखा सकते हैं चार्जर। तो दोस्तों ये आपको चार्जर मिल जाएगा वार्प चार्ज। जी हाँ दोस्तों, ये 30 वाट का वार्प चार्जर आपको मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं मेड इन इंडिया लिखा है। तो ये इसको रखते हैं साइड में। और दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा साइड में रख दिए। तो दोस्तों सब साइड में हो चुका है चार्जर। तो दोस्तों इसमें कुछ खाली हो गया ना। तो दोस्तों वन प्लस की तरफ सबको मिल जाता है वेलकम लेटर नॉर्ड टीम की तरह से। डियर फ्रेंड, आप खाली हो तो जरूर पढ़िएगा दोस्तों। चलिए इसको भी रखते हैं साइड में और इसमें देखते हैं क्या मिलता है वन प्लस की तरफ से। ब्लैक केस, ओ वाह, वन प्लस के स्टिकर आप कहीं भी लगा सकते हैं मोबाइल वोबाइल पे भी। क्विक स्टार्ट गाइड आप लगा लीजिएगा। सेफ्टी इंफॉर्मेशन, मतलब ढेर सारे इन्होंने वही दे दिया है या क्या बात है। रेड केबल क्लब, वाह दोस्तों ये भी अमेजिंग है। ये लगा क्रेडिट कार्ड मुझे मिल गया, ये तो उसी का था। और दोस्तों इसमें हाई साइड वैल्यू का आपने दिया है कि हेड साइड वैल्यू कितना है और बॉडी साइड वैल्यू कितना है, तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम लोग रखते हैं साइड में। दोस्तों मेन बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फ़ोन की, तो ये आपको फ़ोन मिल जाता है। चलिए हम लोग रेफर से करते हैं इसको बाहर। ये निकल गया रेफर से बाहर और आप इसकी देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम लुक है, क्योंकि दोस्तों प्रीमियम पैसा भी तो है। तो दोस्तों आपको इसमें कुछ बता दिया जाए, इसमें 4 कैमरा आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले कैमरे की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं वन प्लस का एक लोगो मिल जाता है और नीचे वन प्लस लोगो लिखा रहता है। और दोस्तों यह साइड बटन, अगर आप वन प्लस यूजर है तो आपको ज़रूर पता हो साइड बटन कि क्या होता है। तो दोस्तों ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ 2 बटन, यहाँ वॉल्यूम बटन आपको मिल जाते हैं, फ्रंट में 2 कैमरे मिल जाते हैं। तो चलिए फ़ोन को ऑन करते हैं। तो दोस्तों फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है क्योंकि मैं इसको चला चुका था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लुक। ये लाइटिंग वजह से ऑफ जॉब नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे, क्योंकि इसमें मिल जाए। दोस्तों मुझे पता है सबसे प्लस वन प्लस का सबसे अच्छा क्या लगता है, ऑक्सीजन OS। जी हाँ दोस्तों, और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आप देख सकते हैं क्या स्मूथनेस है यार, मतलब कि यार बहुत मज़ा। अभी तक जितने फ़ोन मैंने चलाए हैं
मतलब कि मिड रेंज के फ़ोन, उसमें ये काफ़ी अच्छे फ़ोन आप देख सकते हैं। और इसकी लुकिंग आप देख सकते हैं, ये प्रीमियम लुक है यार। पीछे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, एंड आपको आगे भी गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। आप ये देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथनेस के साथ है। तो दोस्तों आइए हम आपको साउंड का टेस्ट करवा देते हैं। दोस्तों साउंड इसका कैसा है? तो दोस्तों साउंड आप देख सकते हैं, काफी अच्छा साउंड है। दोस्तों इसमें स्पीकर की हम देखे याद है आपको, तो सिंगल स्पीकर एक दिया है यहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप सी का आपका दिया है, यहाँ पे माइक्रोफोन एक दिया है। सॉरी दोस्तों ये कैमरा थोड़ा जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ऊपर में आपको माइक्रोफोन मिल जाएगा दोस्तों, और एक नीचे मिल जाएगा, दो आपको मिल जाता है। और इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा दोस्तों है, इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी फास्ट है दोस्तों, एक टैप करते ही ये खुल जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट खुल गया। अब फेस हटा लेते हैं दोस्तों, यहाँ फेस और ये खुल गया, मतलब फेस अनलॉक भी आप दोस्तों काफ़ी तेज है आप मान सकते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आप देख सकते हैं काफ़ी तेज है, दोनों चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फास्ट है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं ब्लूटूथ 5.1 का आपको सपोर्ट इसमें मिल जाता है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है, गूगल क्राउस का इसको सपोर्ट मिल जाता है, टॉप एंड पे और क्रोमबुक का मिल जाता है दोस्तों, इसमें सपोर्ट आपको मिल जाता है। और दोस्तों डिस्प्ले की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो नाइट मोड आपको इसमें ऑलरेडी मिल ही जाएगा। दोस्तों कंपनी कहना है कि 2 साल तक आपको इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता रहेगा, और 3 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट इसमें मिलता रहेगा वन प्लस में। दोस्तों इसमें आपको केस बैग मिल जाता है सिलिकॉन का, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है, फ़ोन पे लगाएंगे तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये लगेगा। तो आप ये देख सकते हैं वन प्लस की तरफ से। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इसमें लगा है 765, तो यार गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छी प्रोसेसर माना जाता है दोस्तों। तो यार अब तो कॉल ऑफ ड्यूटी से ही हम लोग गेम का टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, बट दोस्तों इस वीडियो में नहीं, इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, और उसको आपको देखने के लिए आप आई बटन में जाके आप देख सकते हैं सेपरेट वीडियो गेम का। तो गेम का आप सेपरेट वीडियो जाइए आई बटन में देखिए, एंड नहीं तो लार्ज स्क्रीन देखिए, इस पर इस वीडियो को पूरा करके आप देखिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैमरे के बारे में दोस्तों। तो आप फ्रंट कैमरा ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, 32 मेगापिक्सल कैमरा, और अल्ट्रा वाइड आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा इसमें मिल जाता है, जो कि कैमरा काफ़ी अच्छा है क्वालिटी के। मैं कुछ पिक्चर आपसे शेयर करूंगा, और मैं आपको पहले बैक कर कैमरा के कुछ फ़ोटो आपको लाइव क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ। और इस फोटो को आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है। और दोस्तों आपको अगर कैमरे का फुल डिटेल रिव्यू चाहिए दोस्तों, तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, मैं इसके लिए एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप जाके आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं, एंड लाइट स्क्रीन में जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वक्त तो नहीं दोस्तों, मैं काफ़ी अच्छे मैं वीडियो मतलब शूट करके आपको ज़रूर दिखाऊँगा कैमरे का हर फंक्शन। मैं इस समय तो थोड़ा बहुत आपको समझा पाऊँगा, यहाँ पर लाइव टेस्ट भी नहीं कर पाऊँगा, जो लाइव होगा वो कैमरे आप देख सकते हैं, उस कैमरे के बारे में मैं आपको फंक्शन समझा सकता हूँ। तो हम लोग पहले चलते हैं सेटिंग में, आपको दिखा देते हैं कुछ चीज़ें। तो दोस्तों हम लोग कल वीडियो के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तो रियल कैमरे के वीडियो आपको 1080p 30fps से शूट कर सकते हैं, और 1080 60fps से शूट कर सकते हैं, ठीक है। 4K इसमें शूट कर सकते दोस्तों 30fps से, और 4K सिनेमा 30fps से शूट कर सकते, ये नया है दोस्तों, इसको मैं आपको दिखाऊंगा ट्राई करके। और दोस्तों फ्रंट कैमरे की आप लोग को बात करें तो 1080p आप कर सकते हैं 30fps पे शूट, और 1080p 30
60 FPS पे शूट करते हैं, वही 4K में दोस्तों इसमें आप देखिए कि 4K में 60 FPS पे फोल्ड करते हैं, ये उल्टा हो गया। तो दोस्तों ये कुछ कैमरे की डिटेल है और मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। प्रोटेक्ट मोड की फ़ोटो है, कुछ मैं आपको शेयर कर दूंगा लाइव खींच के। बट दोस्तों मेरे हिसाब से इस हिसाब से फोटो की डिटेल जो होगी अच्छी से नहीं आएगी, पर डिटेल आप देख सकते काफ़ी अच्छा है दोस्तों। सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, आप जाके आई बटन में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इसमें एक फीचर और आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्लाइडर बटन है ये बीच में आप कर देंगे तो ये हो जाएगा वाइब्रेट, और एकदम ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा साइलेंट, और सबसे नीचे कर देंगे तो हो जाएगा रिंग। ये सिर्फ वन प्लस में ही आपको मिलता है ये स्लाइडर बटन। और दोस्तों ये आपको जो बता दूँ, ये है जो चारों तरफ प्लास्टिक का फ्रेम आपको देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी दोनों तरफ ग्लास आप लगाए गोरिल्ला ग्लास 5। तो कैसा लगा अनबॉक्सिंग जरूर बताइए कमेंट करके, और दोस्तों कुछ कमी रहेगी तो जरूर पूरा किया जाएगा दोस्तों उसमें। और दोस्तों आपको लिए गेम के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो हमने बना दिया है, जाके जल्दी से देख सकते हैं दोस्तों। और उसी तरह मैंने कैमरे के लिए भी अलग से वीडियो बना दिया, क्योंकि क्या होता है कि कैमरे कुछ फोटो मैं शेयर कर दूं और बाकी अच्छे से जब तक रिव्यू ना हो तब तक मजा नहीं आता, तो इसलिए मैंने कैमरे का अलग वीडियो और गेमिंग का एक अलग वीडियो बना दिया है। तो दोनों जाके वॉच कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। गिवअवे पार्टिसिपेट करने के लिए आप जल्दी से वीडियो को कर दिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।